नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हरीश अकेडमी। मैं हूँ हरीश और हम अभी पढ़ रहे थे संविधान का विकास। और संविधान के विकास में हम सबसे पहले पढ़ चुके हैं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, इसके बाद 1784 का प्रिंस इंडिया एक्ट, इसके बाद 1813 का रेगुलेटिंग एक्ट और 1833 का चार्टर एक्ट। अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा तो पहले उसको देख ले, तो इससे आपको ये एक्ट जो है क्रमवार मिल जाएंगे। इसके बाद आज हम इस वीडियो में बात करेंगे 1853 का चार्टर एक्ट। तो इस चार्टर एक्ट में क्या था कि जो सिविल सेवकों के लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट इसमें जो प्रावधान हुआ उसमें क्या हुआ, सिविल सेवकों की भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता शुरू की गई थी। मतलब क्या हुआ था, हालांकि हम जानते हैं कि जो सिविल सेवा का जो जनक है वो लॉर्ड कार्नवालिस को माना जाता है, लेकिन अगर हम कहें कि सिविल सेवकों के लिए भर्ती की खुली प्रतियोगिता कब से शुरू की गई थी, ये की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत और 1854 में की गई थी। तो इस प्रकार से सिविल सेवकों के लिए खुली प्रतियोगिता की गई थी। तो ये आपको याद रखना है, कई एग्जाम में पूछा गया है कि सिविल सेवकों के लिए भर्ती के लिए खुली प्रतियोगिता कब से शुरू की गई थी 1853 के चार्टर एक्ट के तहत, तो ये इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा अगर हम आपको बता दें तो गवर्नर जनरल की परिषद के विधायी एवं प्रशासनिक कार्यों को इसके तहत अलग अलग कर दिया गया था। ये कोई खास नहीं है, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम में पूछा गया है कि भारतीय संसद का बीजारोपण किसके तहत किया गया था, तो भारतीय संसद का जो बीजारोपण किया गया था 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। तो ये ऐसा क्यों माना जाता है, क्योंकि इसी के तहत क्या किया था, इसने गवर्नर जनरल के लिए एक नई विधान परिषद का गठन किया गया था जिसे भारतीय केंद्रीय विधान परिषद कहा गया, और परिषद की इस शाखा ने छोटी संसद की तरह कार्य करना शुरू कर दिया था। इसलिए हम ये मानते हैं कि भारतीय संसद का जो बीजारोपण हुआ था वो 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। क्लियर? तो ये दो पॉइंट आपके यहाँ पर इम्पोर्टेंट है। एक तो भारतीय संसद का बीजारोपण किस एक्ट के तहत हुआ था, तो इसे 1853 के चार्टर एक्ट के तहत हुआ था। और सिविल सर्विस के लिए खुली प्रतियोगिता का शुभारंभ किसके तहत हुआ था, 1853 के चार्टर एक्ट के तहत। इसके बाद हम बात करते हैं 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब यहाँ पर आप सभी जानते हैं, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में भी बताया था, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 1857 में सैनिक विद्रोह हुआ था, 1857 की क्रांति हुई थी, जिसके तहत क्या किया था कि कंपनी को ब्रिटिश सरकार ने अपने पास बुला लिया था और यहाँ से भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन का शासन हो गया था, ये महारानी विक्टोरिया का सीधे शासन हो गया था। इसके बाद जो एक्ट आया 1858 का, उसको भारत शासन अधिनियम कहा गया, ठीक है ना। तो 1858 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें क्या हुआ, भारत का गवर्नर जनरल अब क्या कहा जाने लगा, वायसराय कहा जाने लगा। क्या कहा जाने लगा, भारत का गवर्नर जनरल वायसराय कहा जाने लगा। पहले गवर्नर जनरल कहते थे, वायसराय कहा जाने लगा। और इसके लिए क्या किया गया, ये जो नियंत्रण बोर्ड बना था तो नियंत्रण बोर्ड को समाप्त कर दिया गया। अब एक नया पद बनाया गया, भारत सचिव, और ये कहां पर रहता था, ये रहता था ब्रिटेन की संसद में। ब्रिटेन की संसद जो होती है वहां पर ये भारत का सचिव रहता था, और उसके सहायता के लिए 15 सदस्यों की एक समिति बना दी गई जो कि सचिव की सहायता करती थी। और जो भारत में क्या था, वायसराय, तो ये सचिव किसको आज्ञा देता था, वायसराय को। तो वायसराय को जो कि भारत में काम करता था, ये सचिव कहां रहता था, ब्रिटेन की संसद में, और इसकी 15 सदस्य इसकी सहायता करते थे। तो ये लोग इस पे आदेश देते थे वायसराय को कि भाई आपको क्या करना है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से अब भारत पर नियंत्रण किया जाने लगा। और अगर हम बात करें तो प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनन था। प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनन। अगर हम कहें अंतिम गवर्नर जनरल, तो इसके बाद गवर्नर जनरल नहीं बने, इसलिए गवर्नर अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनन था। हालांकि गवर्नर जनरल बने लेकिन वो बाद में बने। अगर यहां पर हम कहें कि अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनन था, ठीक है। इसके बाद तो स्वतंत्रता के बाद गवर्नर जनरल बनाया गया, तो वो अलग चीज है, ठीक है। आपको यहां पर पढ़ना है कि प्रथम वायसराय कौन था, लॉर्ड कैनन, और अंतिम गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड कैनन था, ठीक है ना। इसके बाद हम बात करते हैं कि इसके अगला एक्ट कौन सा था। तो ये 1892 का भारत शासन अधिनियम में आया, इसके क्या प्रावधान थे, इसमें क्या इंपॉर्टेंट थे, वो ही हम देश में देख लेते हैं। तो केंद्र व प्रांत की विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई। केंद्र और प्रांत, केंद्र का मतलब सीधे जैसे कि आज दिल्ली है, और प्रांत का मतलब अपना राज्य जो है। तो इनमें क्या है कि विधान परिषद में भारतीयों की संख्या बढ़ा दी गई, ठीक है ना। तो एक ये चेंजेस हुआ था यहाँ पर। इसके अलावा भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त हो गया था, ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में पूछा भी गया है, तो इसको आपको याद रखना है कि भारतीयों को बजट पर बहस करने का अधिकार किस एक्ट के तहत मिला था। तो 1892 का भारत शासन अधिनियम के तहत इनको बजट पर बहस करने का अधिकार प्राप्त।
परंतु इन्हें वोटिंग अधिकार नहीं थी, इन्हें वोट देने का अधिकार नहीं मिला, तो ये इम्पोर्टेंट है। इसके बाद हम बात करते हैं, अगर हम 1909 का भारत शासन अधिनियम का, भारत परिषद अधिनियम का, तो इसे मार्लो मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। क्या कहला जाता है? मार्ले मिंटो एक्ट भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि देखो हम पहले ही पता है कि जो सचिव था वो कहां पे काम करता था, ब्रिटेन की संसद में। तो यहां पर जो सचिव है, सचिव वो कौन था? माले। और मिंटो क्या था? वाइस राय था। तो ये इसलिए इसको कहते हैं माले मिंटो एक्ट भी कहते हैं, 1909 के भारत परिषद अधिनियम के तहत, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे क्या प्रावधान थे वो भी हम देख लेते हैं। इसके तहत क्या हुआ, केंद्र व प्रांत की विधान परिषद में भारतीयों की संख्या काफी बढ़ा दी गई। मतलब यहाँ पर थोड़ी बढ़ी थी, लेकिन यहाँ पर सीधे 16 से कितनी हो गई थी, 60 हो गई थी। तो केंद्र व प्रांत की विधान परिषद में भारतीयों की संख्या इसमें काफी बढ़ा दी गई थी। इसमें मुस्लिमों के लिए एक पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया था। सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर इस एक्ट में यही काम हुआ था कि मुसलमानों के लिए इसमें पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया था, जो आगे चलकर के पाक विभाजन का काम किया जिसने। तो इसलिए अगर हम कहें कि सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है, क्योंकि मिंटो क्या थे? ये वाइस राय थे। तो हमारे भारत में इन्होंने सांप्रदायिकता का जन्म दिया, इसलिए सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड मिंटो को किया जाता है, ठीक है। इसके अलावा सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वाइस राय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य बने, और ये क्या थे? विधि सदस्य थे। क्या थे? विधि सदस्य थे। तो ये इंपॉर्टेंट है कि वायसराय की कार्यपालिका के प्रथम भारतीय सदस्य कौन हैं? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, ये भी इंपॉर्टेंट है। दो इंपॉर्टेंट यहां पर है, एक तो ये कि सांप्रदायिकता का जनक किसे माना जाता है, तो लॉर्ड मिंटो को माना जाता है ना। इसके अलावा वायसराय की कार्यपालिका का प्रथम भारतीय सदस्य कौन बने? तो सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ये दो कार्य इसमें इंपॉर्टेंट हुए थे, हमको इसको जो है नोट कर लेना चाहिए। इसके अलावा बहुत सारे काम हुए, लेकिन हम सिर्फ उस पे फोकस कर रहे हैं जो कि हमारे एग्जाम के लिस्ट से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये आपको दो इसमें इंपॉर्टेंट नोट कर लेना। इसके बाद हम बात करते हैं अगले एक्ट की। तो अगला एक्ट कौन सा आया? 1919 का भारत शासन अधिनियम। तो अब बात करते हैं हम 1919 के भारत शासन अधिनियम की। इसको मॉन्टेग चेम्सफोर्ड अधिनियम भी कहते हैं, मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। मतलब क्या हुआ था उसमें? जैसे था मार्लो मिंटो, उसी प्रकार से इसमें मॉन्टेग चेम्सफोर्ड। ये क्या हुआ? ब्रिटेन में भारत सचिव कहलाएगा, और ये क्या कहलाएगा? वायसराय। तो हम जानते हैं कि सचिव की सहायता से, आज्ञा से वायसराय काम करता था। तो इस प्रकार से इस अधिनियम को क्या बोलते हैं? मॉन्टेग चेम्सफोर्ड, ठीक है। अभी हमने देखा कि 1909 में क्या है, मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए थे, और इसमें सिखों और वाई ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिए गए, क्योंकि उसने तो जनक कहा जाएगा किसको? लॉर्ड मिंटो को। तो उसने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दिए। इसके बाद सिखों और ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र किसने दे दिए? ये दिए थे चेम्सफोर्ड ने, ठीक है ना। तो इसके अलावा इसमें केंद्र में दो सदन बना दिए गए, केंद्र में दो सदन बना दिए गए, जैसे कि आज है हमारे यहाँ लोकसभा और राज्यसभा, उसी प्रकार से उस समय 1919 का जो भारत शासन अधिनियम आया उसमें दो सदन बना दिए गए, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट था। इसके अलावा ये 1919 में आया था, लेकिन इसको 1921 में लागू किया गया था। इसमें केंद्र सूची राज्य सूची को अलग अलग कर दिया गया, मतलब केंद्र के लिए अलग विषय दे दी गई है और राज्य के लिए अलग विषय दिए गए। तो इस प्रकार से इसमें केंद्र सूची और राज्य सूची को अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया, ये कई एग्जाम में पूछा गया है कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो 1919 का भारत शासन अधिनियम के तहत प्रांतों में द्वैध शासन को लागू किया गया था। मैंने उसको पहले से रेड कलर में लिख दिया है, तो ये आपको बिल्कुल कभी नहीं भूलना कि प्रांतों में द्वैध शासन किस अधिनियम के तहत लागू किया गया था। तो 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत तो प्रांतों में द्वैध शासन लागू कर दिया गया। इसके बाद क्या हुआ? इसी के कारण क्या हुआ, राज्य विषय जो है ना वो दो भागों में बढ़ गए। राज्य विषय दो भागों में बढ़ गए, कौन कौन? एक तो आरक्षित विषय और एक हस्तांतरित विषय। अब आरक्षित विषय क्या है? आरक्षित विषय गवर्नर के द्वारा संचालित किए जाते थे। ये आरक्षित विषय किसके द्वारा? ये जो गवर्नर थे चेम्सफोर्ड, इसके द्वारा संचालित किए जाते थे आरक्षित विषय। और ये जो हस्तांतरित विषय है, ये जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि के द्वारा संचालित किए जाते थे। तो इस प्रकार से कह सकते हैं हम कि प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया था, ठीक है ना, क्योंकि इसमें राज्य विषय को दो भागों में बांट दिया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये भारतीयों को पहली बार संपत्ति व शिक्षा के अधिकार पर इनको मताधिकार दे दिया गया। तो इस प्रकार से ये, और जो इम्पोर्टेंट है इसमें दो ही है, क्या है कि आपको देखना है कि सिखों ईसाइयों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया, इसके अलावा प्रांतों में द्वैध शासन को लागू कर दिया गया। इसमें राज्य विषय दो भागों में बढ़ गए थे, एक तो आरक्षित विषय और हस्तांतरित विषय, ठीक है ना।
इसके अलावा एक चीज और हुई थी इसमें कि जो राज्य का बजट था और केंद्र व राज्य के बजट को भी इसमें अलग अलग कर दिया था। जो बजट है उसको क्या कर दिया था, केंद्र और राज्य के बजट को अलग अलग कर दिया गया था। तो ये कुल मिला के आपको यहाँ पर ये चीज रखना है कि 19 और 19 मतलब ये दो बार 19 है, तो हर चीज को दो दो भागों में बांट दिया गया था। जैसे केंद्र सूची राज्य सूची को अलग अलग कर दिया गया, केंद्र व राज्य पर नियंत्रण कम करके इस प्रांतों में द्वैत शासन लागू कर दिया गया, केंद्र में दो सदन बना दिए गए, है ना। तो और इसके अलावा बजट भी क्या है कि बजट को केंद्र का बजट और राज्य का बजट अलग अलग कर दिया गया। इसके अलावा 1926 में केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन किया गया था और महिलाओं को वोट देने का अधिकार इसी एक्ट के तहत मिला था। इसके अलावा सीएजी के गठन का सुझाव भी इस एक्ट के तहत दिया गया था। तो ये कुछ प्रावधान है। ये वाला एक क्वेश्चन पूछा गया था तो इसको मैंने लिख दिया, एसएससी में पूछा गया था कि सीएजी का जो सुझाव है, सीएजी की गठन का सुझाव किस एक्ट के तहत दिया गया था, तो ये दिया गया था 1919 के भारत शासन अधिनियम के तहत। हम अच्छे से पढ़ेंगे लेकिन पहले ये जो एक्ट हैं इनको हम थोड़ा सा कंप्लीट कर लें, आपको पता चल जाए कि कैसे कैसे भारत का के संविधान का विकास हुआ और कैसे भारत का संविधान बना। इसके बाद उनकी अनुसूचियां भाग सारी चीजें हम पढ़ेंगे, लेकिन हम थोड़ा सा इसके बारे में नॉलेज होना चाहिए कि कैसे कैसे कौन से एक्ट आए, ठीक है। इसके अलावा 1935 का भारत शासन अधिनियम आया, तो भारत शासन अधिनियम में क्या था कि इसमें केंद्र में द्वैत शासन को लागू कर दिया। जो यहाँ पर प्रांतों में द्वैत शासन है, केंद्र में द्वैत शासन इसके 1935 के तहत लागू किया गया। इसके अलावा तीन सूचियां बनाई गई, यहाँ पर जो दो सूचियां थी यहाँ पर तीन सूची बनाई गई, वही जो आज है, केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो इस एक्ट में केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची तीन सूचियां बनाई गई और राज्य के द्वैत शासन को केंद्र में लागू कर दिया गया, ये हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा 11 राज्यों में से 6 राज्यों में दो सदन बनाने की व्यवस्था की गई, मतलब 11 राज्य थे उस समय, तो 11 में से 6 राज्यों में दो सदन बना दिए गए, ठीक है ना। जैसा कि आज हमारे कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं, जैसा कि हम जाते हैं कुछ राज्यों में दो सदन होते हैं, कौन कौन से होते हैं, विधानसभा और एक विधान परिषद, तो उसी प्रकार से उस समय 6 राज्यों में दो सदन बनाने की व्यवस्था की गई थी। इसके अलावा हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया गया। तो अगर ये एक क्वेश्चन आ जाए कि हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र किस एक्ट के तहत दिया गया, तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत हरिजन, देखो 1909 के तहत किसको दिया, मुसलमानों को, सिखों ईसाइयों को दिया 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा, और हरिजनों को पृथक निर्वाचन क्षेत्र दे दिया 1935 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यह भी चीज है कि आरबीआई की स्थापना की गई थी 1935 में, किस एक्ट के तहत, 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत आरबीआई की भी स्थापना की गई थी। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि यूपीएससी के साथ साथ पीएससी, जेपीएससी यानी ज्वाइंट पीएससी की भी स्थापना इस एक्ट के तहत, 1935 के एक्ट के तहत कर दी गई थी। तो आज केंद्र व राज्यों के बीच शक्तियों का इसमें विभाजन कर दिया गया, ठीक है ना। तो इतने सारे काम इस एक्ट के तहत हुए थे। इसके अलावा हम जानते हैं कि सबसे जो बड़ा एक्ट था, जो सबसे बड़ा एक्ट था वो यही था। इससे सीधे सीधे 250 अनुच्छेद आज भी हमारे संविधान में लिए गए थे। जो हमारा संविधान बना उसमें सीधे सीधे 250 अनुच्छेद इसी जो अधिनियम से हमने अपना लिए थे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1935 का जो भारत शासन अधिनियम था ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट था, ठीक है। इसके अलावा जो फाइनल हुआ कि भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947, ये भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम आया 1947, इसमें क्या हुआ कि भारत में ब्रिटिश राज को समाप्त कर दिया गया। 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया और वायसराय का पद अब भारत में समाप्त करके सीधे किसका पद हो गया, गवर्नर जनरल का पद बनाया गया, है ना। गवर्नर जनरल कह सकते हैं हम, तो पहला गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का, है ना, स्वतंत्र भारत का गवर्नर जनरल कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन था। कौन था, लॉर्ड माउंटबेटन स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था। और उस समय फर्स्ट प्रधानमंत्री किसको बनाया गया, जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। उसी प्रकार से प्रांतों में गवर्नर पद बनाए गए और जो केंद्र में गवर्नर जनरल पद बनाया गया, ठीक है ना। जो प्रांतों का जो शासन था वो गवर्नर के अधीन रहता था, भारत का प्रधान था वो गवर्नर जनरल को बनाया गया। जैसा कि आज का हम राष्ट्रपति देखते हैं, उस समय गवर्नर जनरल को बोला गया, ठीक है ना। और इसके अलावा हम जानते हैं कि स्वतंत्र भारत का प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। इसके अलावा भारतीय रियासतों को स्वतंत्रता दी गई, उनको कहा गया कि जो रियासतें थी उनको तीन प्रकार से बोला गया, या तो आप भारत में मिल जाएं, इंडिया में मिल जाएं,
या फिर आप पाकिस्तान में मिल जाएं या आप अपने आप को स्वतंत्र रख सकते हैं। तो ये तीन विकल्प उनको दिए गए कि जो रियासतें थी कि वो अपनी मर्जी से किसी में भी अपना सकती है, या तो वो इंडिया पे चले जाएं, पाकिस्तान में चले जाएं, या वो स्वतंत्र रह सकती थी। तो इस प्रकार से जो भारत सचिव का पद था कहां पे ब्रिटेन में, उसको यहां पर समाप्त कर दिया गया क्योंकि उसकी जरूरत ही नहीं रही। इसके अलावा संविधान बनाने व संशोधन करने का अधिकार भारत को दे दिया गया। भारत चाहे तो जो पहले से संविधान बना था उसमें ब्रिटिश सरकार के जो रूल थे उनको हटा सकता था, अपने संविधान को अपने अनुसार मॉडिफाई कर सकता था, किसी दूसरे देश के भी अपने इसमें कुछ जो उसको लगता है मिलाना चाहिए तो उन प्रावधानों को अपने संविधान में मिला सकता था। तो ये सारे प्रावधान किए गए। इस प्रकार से भारत को आजाद कर दिया गया 15 अगस्त 1947 को। और 20 फरवरी 1947 को एंटली ने घोषणा कर दी थी कि 30 जून तक भारत को आजाद किया जाएगा। कब तक? 30 जून तक भारत को आजाद किया जाएगा। इसके अलावा 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया और 3 जून 1947 को माउंटबेटन ने विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी। किसने? माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को विभाजन की योजना प्रस्तुत की थी जिसके तहत भारत और पाकिस्तान को अलग अलग कर दिया गया था, ठीक है ना। इसके अलावा भारत की अगर पूछा जाए कि स्वतंत्रता का बिल 4 जुलाई को कब? 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया था। 4 जुलाई को ब्रिटिश संसद में रखा गया था भारत की स्वतंत्रता का बिल 4 जुलाई को। और उसपे अनुमति कब मिली थी? 18 जुलाई को उसपे भारत को अनुमति मिल गई थी। तो इस प्रकार से 18 जुलाई को भारत को स्वतंत्रता की अनुमति मिल गई थी और 15 अगस्त 1947 को भारत को आजाद कर दिया गया। तो इस प्रकार से ये एक्ट समाप्त हुए। अब हम पढ़ेंगे कि संविधान सभा की जो अनंतरम मंत्रिमंडल वो कैसा था, उसके बाद हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन कैसे हुआ और भारत का जो अंतरिम मंत्रिमंडल था और फिर अंतिम मंत्रिमंडल था वो प्रथम मंत्रिमंडल क्या था, वो हम इस चीज में डिस्कस करेंगे। तो थैंक यू दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो जरूर पसंद आएगा। यदि आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।